कसम की चोला हो आज रंग दे हो माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दिल्ली दे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अड्डे विच पहुंच चुके ने बसंती चोला पाए रंग दे बसंती चोला दिल्ली दे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अड्डे विच पहुंच चुके ने रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे दिल्ली दे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अड्डे विच पहुंच चुके ने चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला पाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अड्डे विच पहुंच चुके ने हेलो 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 भारत माता की इनकलाब वंदे बोले सोनिहाल दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी धूप में बहुत गर्मी पड़ रही है आप इतनी बड़ी संख्या में आज एकत्रित हुए इतना प्यार और सत्कार दिया आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने 2 साल पहले हमें भारी बहुमत देके पंजाब में भगवंत मान साहब की सरकार बनाई थी 117 में से 92 सीट दी थी आपका तहे दिल से बहुत इतना प्यार दिया इतना सत्कार दिया बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक चीज बताओ किस किस के घर की बिजली का बिल 0 आ रहा है जरा हाथ खड़े करके बताओ। मेरे को याद है जब हम चुनाव प्रचार के लिए पिछली बार जाया करते थे मैं कहता था मैंने दिल्ली में बिजली बिल 0 कर दिए आपके भी कर दूंगा। लोगों को यकीन नहीं होता था बिजली के बिल 0 आ सकते हैं है कि नहीं है जादू है कि नहीं है 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल 0 आता है पूरे देश में कहीं नहीं है ऐसा बिजली का बिल केवल दिल्ली और पंजाब में 0 आता है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कैसे ये कैसे हुआ हमारी ईमानदार पार्टी है भ्रष्टाचार बंद करके खूब पैसे बचाए और उस पैसे का आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं यहाँ भी खुले होंगे 12 मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन गया मोहल्ला क्लिनिक किस किस ने देखे हैं फ्री दवाइयां मिलती हैं फ्री इलाज होता है अच्छे हैं कि नहीं है। आज तक पंजाब में 75 साल में इतनी सरकारें आई इस पार्टी की भी आई इस पार्टी की किसी ने आपको इतनी सहूलियत नहीं दी तो 2 साल के अंदर आपको मिलने लग गई। अब पंजाब के स्कूल ठीक करने चालू किए हैं शानदार स्कूल बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर बच्चों को पक्का करना चालू किया है जो बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे अब एक एक करके सारे बच्चों को पक्का करते जा रहे हैं। नौकरी का 50,000 से ज्यादा बच्चों को मान साहब ने सरकारी नौकरी दिला दी अभी तक। मैं मानता हूं अभी बहुत काम करने बाकी हैं पर अभी तो 2 ही साल हुए हैं 2 साल तो ज्यादा नहीं होते ना
अभी 2 साल हुए, 2 साल में आपको लगने लग गया होगा कि हमने अच्छी सरकार चुनी है कि नहीं है? 2 ही साल हुए, बाकी सारे काम भी करेंगे, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। मान साहब को पता है क्या क्या काम करने हैं। ये चुनाव केंद्र सरकार बनाने का चुनाव है। मैं आप लोगों के बीच में आ जाया हूं कि आपने पंजाब में तो हमारे हाथ मजबूत कर दिए, अब ये 13 सीट दे दो, लोकसभा में केंद्र में भी हमारे हाथ मजबूत कर दो, ताकि केंद्र में जितने मसले हैं वो भी हम समाधान कर लें। इन्होंने पूरा तानाशाही कर रखी है। इन लोगों ने पंजाब के 8,500 करोड़ रुपए रोक लिए मोदी सरकार ने, 8,500 करोड़ रुपए। वो पैसे गांव-गांव के अंदर सड़क बनाने थे, उस पैसे से पूरे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोलना था, पंजाब के हक का पैसा था, लेकिन तानाशाही करके मोदी सरकार ने वो पैसे रोक लिए। अकेले मान साहब लड़ रहे हैं मोदी सरकार से, लेकिन अगर ये 13 MP जिता दोगे तो मान साहब के 13 हाथ हो जाएंगे, वो जाके लड़ेंगे मोदी सरकार से। फिर मोदी सरकार की हिम्मत नहीं होगी आप लोगों के फंड रोकने की। आज आप लोगों ने भगवंत मान सरकार बनाई, ये अपनी विधानसभा में बैठ के बिल पास करते हैं, गवर्नर सारे बिल रोक लेता है। ये तो पंजाब के लोगों की बेइज्जती है, पंजाब के लोगों का अपमान है। गवर्नर की कैसे हिम्मत होती है कि वो आपकी विधानसभा में पास किए हुए सारे कानून रोक ले? आप ये 13 MP बना दो, ये गवर्नर के घर के अंदर घुस के सारे बिल पास करा के ले आएंगे। और आज से 2 साल पहले याद करो, जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे किसान आंदोलन के लिए, याद है आप लोगों को? हजारों हजारों किसान दिल्ली की तरफ गए थे, मोदी सरकार ने इनको दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया, बॉर्डर पे रोक लिया, सड़क पे कीले लगा दी, बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए। इस बार ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना, मोदी जी को दिल्ली से बाहर कर देना इस बार। ये बदला लेने का टाइम आ गया। सबसे ज्यादा पंजाब के किसान गए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, इस बार अपना बदला ले लो। बदला लोगे कि नहीं लोगे? चुप बैठोगे? इस बार बदला लेने का टाइम आ गया। तानाशाही मचा रखी है इन लोगों ने, पूरी डिक्टेटरशिप कर रखी है, इस तानाशाही को खत्म करना है। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए नहीं किया कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। 16 मार्च को चुनाव ऐलान हुए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, मोदी जी ने डर के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया कि केजरीवाल पूरे देश में चला जाएगा तो मेरी सीटें कम हो जाएंगी, केजरीवाल को जेल में डाल दो। और इनका अहंकार देखो दोस्तों, इतना बढ़ गया इनका अहंकार, इतना बढ़ गया। अभी थोड़े दिन पहले भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है, हाथ खड़े करो जरा से। भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में पुरी में। इनका भगवान जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब पूरे ब्रह्मांड के नाथ, पूरी सृष्टि के नाथ, पूरे सृष्टि का भगवान। संबित पात्रा का नाम सुना है? संबित पात्रा इनके बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। इनको इतना अहंकार हो गया, ये भगवान जगन्नाथ का भी को भी ये कहते हैं मोदी जी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ, ये भगवान के ऊपर भी अपने आप को मानने लग गए। और अभी थोड़े दिन पहले आपने पता नहीं 3-4 इंटरव्यू दिए मोदी जी ने, मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूं। सुने थे आपने इंटरव्यू? वो कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूं। कितने लोग मानते हैं मोदी जी भगवान है? ये थोड़े दिन में मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटा के मोदी जी की मूर्ति लगा देंगे। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे हमको भगवान राम लाए हैं, हम कहते हैं पृथ्वी पे मैंने जन्म लिया, पृथ्वी
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं, ये कहते हैं मोदी जी राम को लाए हैं। अरे शर्म कर लो यार, इस पृथ्वी की रचना मोदी जी ने की है, इस ब्रह्मांड की इस ब्रह्मांड की रचना भगवान राम ने की है, इस सृष्टि की रचना भगवान राम ने की है, और तुमको इतना अहंकार हो गया तुम कहते हो कि भगवान राम को मोदी जी लाए हैं। इस बार 2014 में कहते थे मैं प्रधान सेवक हूं, 2019 में बोले मैं चौकीदार हूं, आज कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं। इस बार ऐसा बटन दबाना इनका अहंकार चूर चूर हो जाए, ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना। और दोस्तों ये कहते हैं 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए। हमने पूछा क्यों चाहिए, बोले मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, तो पता चला ये आपका रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। बच के रहना दोस्तों, आज आप लोगों को कह के जा रहा हूं, जब तक केजरीवाल जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं है जो रिजर्वेशन खत्म कर दे। आप लोगों का साथ चाहिए, लड़ रहा हूं मैं इनसे, संघर्ष कर रहा हूं मैं इनसे, किसी हालत में रिजर्वेशन बंद नहीं करने देंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों के साथ के बिना केजरीवाल कुछ नहीं है दोस्तों। यहां से आपके प्यारे भाई, आपके बेटे राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार खड़े हो रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका। कितने नंबर पे बटन है? 5 नंबर पे बटन है इनका, 5 नंबर पे बटन है, झाड़ू का बटन 5 नंबर पे, याद रखना, झाड़ू का बटन दबा के 5 नंबर का बटन दबा के सबसे ज्यादा बहुमत से इनको जिताना है। भारत माता की।